एनसीसी एबीएन सी सर्टिफिकेट एग्जाम आज का टॉपिक है मैप रीडिंग। टोटल 56 क्वेश्चन है। कौन बनेगा विनर? वही विनर होगा जिनका 56 में 56 सही होगा, और लिमिट समय में आपको आंसर बताना होगा और एक अटेम्प्ट में सही होना चाहिए। सभी को जय हिंद। जो लोग नए होंगे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन है 5 प्रकार का, बी 6 प्रकार का, सी 7 प्रकार का या फिर 8 प्रकार का। टाइम शुरू हो चुका है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैप? टाइम ड्यूरेशन आपका इधर चल रहा है 15 सेकंड। एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा 15 सेकंड, अगर आप सारे सही आंसर बताते हैं तो फिर आप ए ग्रेड डीजीओ में। टाइम अप। तो मानचित्र 7 प्रकार का होता है, ऑप्शन सी वाले सही है। सेकेंड क्वेश्चन, मानचित्र पर पानी का स्थान दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है हरा रंग का, बी लाल, सी नीले रंग का या फिर पीला रंग का। टाइम शुरू हो चुका। मानचित्र पर पानी का स्थान दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन आपके सामने है हरा, लाल, नीला या पीला। टाइम अप। तो पानी का स्थान दिखाने के लिए नीला रंग का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 2, बी 3, सी 4 या फिर 5। टाइम शुरू हो चुका। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉर्थ? चलिए फास्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है और डेली टेस्ट होता है, आप लोग टाइम से क्लास करेंगे। और तेजस एनसीसी आदमी चैनल पर रेगुलर शाम में 7 बजे क्लास होती है, समय से सभी लोग क्लास करेंगे। टाइम ऑफ। नॉर्थ 3 प्रकार का होता है, ऑप्शन बी वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रिज्मेटिक कंपास का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए लीड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा, बी लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा, सी लैंड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा या फिर डी लोड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा। टाइम शुरू हो चुका है। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास? फुल फॉर्म में ऑप्शन ध्यान देना, नहीं तो थोड़ा मिस्टेक और आप गलत हो जाएंगे। चले जल्दी। टाइम अप। तो कंपास का पूरा नाम लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा होता है, ऑप्शन बी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 5, ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं इस चिन्ह का क्या अर्थ है? ऑप्शन है बिजली का तार, बी तेल का कुआं, सी खान या फिर ईट भट्टा। टाइम शुरू हो चुका। चलिए सभी लोग जल्दी से, जो साइन है उस साइन का अर्थ क्या होता है? सभी लोग का आंसर परफेक्ट होना चाहिए, जो लोग नहीं पढ़ेंगे फिर आप तुक्का लगाओगे और गलत होगा। टाइम अप। तो इस चिन्ह का अर्थ बिजली का तार होता है, ऑप्शन ए वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 6, मानचित्र में आरएफ का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए रेलवे फॉरेस्ट, बी रूफ फॉरेस्ट, सी रिजर्व फॉरेस्ट या फिर रेलवे फोर्स। टाइम शुरू हो चुका। मानचित्र में आरएफ का अर्थ क्या होता है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है मैप रीडिंग में? चलिए जल्दी। ऑल आर टाइगर ऑफ द तेजस फैमिली, तो आप लोग अच्छे से थोड़ा मेहनत करेंगे। टाइम अप। तो आरएफ का अर्थ होता है रिजर्व फॉरेस्ट, ऑप्शन सी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 7, कंपास से कितने डिग्री तक पढ़ा जा सकता है? ऑप्शन है 0 डिग्री से 90 डिग्री, बी 0 डिग्री से 170 डिग्री, सी 0 डिग्री से 360 डिग्री या फिर 0 डिग्री से 180 डिग्री। टाइम शुरू हो चुका है। कितने डिग्री तक, यानी कंपास में कितना से कितना तक पढ़ सकते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी का सही होना चाहिए। फास्ट और टेस्ट आप पूरा देंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। टाइम अप। तो कंपास से 0 डिग्री से 360 डिग्री तक पढ़ सकते हैं, ऑप्शन सी वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये जो साइन देख रहे हैं और सी एच, इस चिन्ह का अर्थ क्या है? ऑप्शन है कॉमन हाउस, बी सर्किट हाउस, सी छतरी हाउस या फिर कोल्ड हाउस। टाइम शुरू हो चुका। इस चिन्ह का अर्थ क्या होता है, सभी का परफेक्ट होना चाहिए।
चले जल्दी, गुड जोश, टाइम अप। तो इस चिन्ह का अर्थ होता है सर्किट हाउस, ऑप्शन बी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 9, मानचित्र पर रोड को किस रंग से दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए लाल, बी पीला, सी हरा या फिर नीला। टाइम शुरू हो चुका है। मानचित्र पर रोड को किस रंग से दर्शाया जाता है? सभी लोग जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन लाल, पीला, हरा या फिर नीला। टाइम अप। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लाल रंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पीओ का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए पुलिस स्टेशन, बी पोस्ट ऑफिस, सी प्राइवेट ऑफिस या फिर इनमें से सभी। टाइम शुरू हो चुका है। पीओ का अर्थ क्या है? चलिए फास्ट, सभी के आंसर जल्दी से आने चाहिए। इट्स वेरी सिंपल, टाइम अप। तो पीओ का अर्थ होता है पोस्ट ऑफिस, जो हम लोग एड्रेस में लिखते हैं। ऑप्शन बी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 11, मानचित्र में खड़ी लाइन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ईस्टिंग लाइन, बी नॉर्थिंग लाइन, सी वेस्टिंग लाइन या फिर डी साउथिंग लाइन। टाइम शुरू हो चुका है। मानचित्र में खड़ी लाइन को क्या कहते हैं, यानी मैप पर खड़ी रेखा को? जल्दी, ये जो खड़ी रेखा है मैप पर, इसको क्या कहते हैं? जल्दी से, गुड जोश, टाइम अप। तो मानचित्र में खड़ी लाइन को ईस्टिंग लाइन कहते हैं। ऑप्शन ए वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 12, पीएस का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए पुलिस स्टेशन, बी पोस्ट ऑफिस, सी प्राइवेट ऑफिस या फिर इनमें से सभी। टाइम शुरू हो चुका। पीएस का अर्थ क्या है? चलिए जल्दी, ये भी हम लोग एड्रेस में लिखते हैं ना, सभी का सही होना चाहिए। इट्स वेरी सिंपल, टाइम अप। तो पीएस का अर्थ पुलिस स्टेशन होता है। ऑप्शन बी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 13, एक्स चिन्ह का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए डिवीजन, बी ब्रिगेड, सी कोर या फिर प्लाटून। टाइम शुरू हो चुका। ये जो सिंगल एक्स साइन होता है, इसका अर्थ क्या होता है? सभी लोग बताएंगे जल्दी। चलिए फास्ट, गुड जोश, टाइम ऑफ हो चुका। तो एक्स चिन्ह का अर्थ ब्रिगेड होता है। ऑप्शन बी वाले सही है। 14, कौन सी लाइन नीचे से ऊपर बढ़ते क्रम में होते हैं? ऑप्शन ए ईस्टिंग लाइन, बी नॉर्थिंग लाइन, सी वेस्टिंग लाइन या फिर साउथिंग लाइन। टाइम शुरू हो चुका। कौन सी लाइन नीचे से ऊपर बढ़ते क्रम में होते हैं? चलिए फास्ट, सभी लोग का आंसर जल्दी से आने चाहिए। टाइम अप। तो नीचे से ऊपर बढ़ते क्रम में जो लाइन होता है नॉर्थिंग लाइन कहते हैं। ऑप्शन बी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 15, मानचित्र भूमि पर अपनी तथा किसकी स्थिति को बताता है? ऑप्शन ए दोस्त की, बी परिवार की, सी शत्रु की या फिर डी सेना की। टाइम शुरू हो चुका। चलिए जल्दी, सभी का आंसर आना चाहिए, परफेक्ट, बहुत ही सिंपल है। मानचित्र भूमि पर अपनी तथा किसकी स्थिति को दिखाता है? गुड जोश, टाइम अप। तो अपनी तथा शत्रु की स्थिति को दिखाता है। तो ऑप्शन सी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 16, मानचित्र पर मापक यानी स्केल कितने प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन ए दो प्रकार से, बी तीन प्रकार से, सी चार प्रकार से या फिर डी पांच प्रकार से। टाइम शुरू हो चुका। चलिए जल्दी, यानी मैप रीडिंग में स्केल कितने टाइप का होता है ये बताना, जल्दी से सभी लोग। इट्स वेरी सिंपल एंड इजी, गुड जोश, टाइम अप। मानचित्र पर स्केल तीन प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, बड़ी छोटी तथा मध्य। ऑप्शन बी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 17, सर्विस प्रोटेक्टर कितने इंच लंबा एवं कितने इंच चौड़ा होता है? ऑप्शन ए 6 इंच एवं 3 इंच, बी 5 इंच एवं 2 इंच, सी 6 इंच एवं 4 इंच या फिर 6 इंच एवं 2 इंच।
टाइम शुरू हो चुका है। सर्विस प्रोटेक्टर कितने इंच लंबा एवं चौड़ा होता है? चलिए फास्ट, सभी का आंसर परफेक्ट होना चाहिए, ये हर साल पूछता है। टाइम अप। सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई 6 इंच होती है और चौड़ाई 2 इंच, तो ऑप्शन डी वाले सही है। 18 नंबर, ट्रिपल एक्स चिन्ह का अर्थ क्या है? ऑप्शन ब्रिगेड, बी डिवीजन, सी कोर या फिर आर्मी ग्रुप। टाइम शुरू हो चुका है। ट्रिपल एक्स चिन्ह का अर्थ क्या है? सभी लोग जल्दी से बताएंगे, फास्ट, और 3 सेकेंड। टाइम अप। तो ट्रिपल एक्स चिन्ह का अर्थ कोर होता है, यानी ऑप्शन सी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर के विभिन्न प्रकार क्या है? ऑप्शन है ट्रू नॉर्थ, बी मैग्नेटिक नॉर्थ, सी ग्रिड नॉर्थ या फिर ऑल ऑफ दीज। टाइम शुरू हो चुका है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉर्थ कौन कौन से है? चलिए जल्दी से सभी लोग, सभी के आंसर परफेक्ट होने चाहिए। गुड जोश। टाइम अप। तो उत्तर का प्रकार ये तीनों है, यानी ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, दो स्पोरों के बीच की दबी हुई जगह को क्या कहते हैं? ऑप्शन है रीएंट्रेंट, बी पठार, सी चोटी या फिर पहाड़। टाइम शुरू हो चुका। दो स्पोरों के बीच की दबी हुई जमीन को क्या कहते हैं? जल्दी से, फास्ट, टाइम अप। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, री एंट्रेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कंपास की सुई द्वारा हम कौन सा उत्तर ज्ञात कर सकते हैं? ऑप्शन है वास्तविक उत्तर, बी चुंबकीय उत्तर, सी मानचित्र का उत्तर या फिर इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका है। कंपास की सुई द्वारा हम कौन सा उत्तर ज्ञात कर सकते हैं? चलिए फास्ट। गुड जोश। इसमें भी काफी लोग फंसते हैं जो ध्यान नहीं देते हैं। टाइम अप। तो कंपास की नील मैग्नेट्स काम करती है ना, तो ये चुंबकीय उत्तर है, मैग्नेटिक नॉर्थ को शो करता है। बी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर पूर्वी दिशा कितने डिग्री पर होती है? ऑप्शन है 45 डिग्री, बी 75 डिग्री, सी 90 डिग्री या फिर 120 डिग्री। टाइम शुरू हो चुका है। फास्ट। उत्तर पूर्वी दिशा कितने डिग्री पर? जल्दी। टाइम अप। उत्तर पूर्वी दिशा 45 डिग्री पर होती है, ऑप्शन ए वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 23, सर्वे मैप पर पूर्वी और उत्तरी रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कंटूर रेखा, बी ईस्टिंग लाइन, सी नॉर्थिंग लाइन या फिर ग्रिड रेखा। टाइम शुरू हो चुका। सर्वे मैप पर पूर्वी और उत्तरी रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? चले जल्दी, आंसर सभी का परफेक्ट होना चाहिए। टाइम अप। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रिड रेखा। क्वेश्चन नंबर 24, एक अकेली छोटी पहाड़ी को क्या कहते हैं? ऑप्शन पहाड़, बी नॉल, सी चोटी या फिर पठार। टाइम शुरू हो चुका। एक अकेली छोटी पहाड़ी को क्या कहते हैं? चले जल्दी, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछता है ये क्वेश्चन। टाइम अप। तो एक अकेली छोटी पहाड़ी को नॉल कहते हैं, ऑप्शन बी वाले सही है। 25, वास्तविक और चुंबकीय उत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? ऑप्शन है मैग्नेटिक वेरिएशन, बी बैक बियरिंग, सी फॉरवर्ड बियरिंग या फिर नन ऑफ दीज। टाइम शुरू हो चुका है। वास्तविक उत्तर यानी ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं? ऑप्शन मैग्नेटिक वेरिएशन, बैक बियरिंग, फॉरवर्ड बियरिंग या फिर नन ऑफ दीज। टाइम अप। करेक्ट आंसर होगा मैग्नेटिक वेरिएशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग एमवी लिखते हैं, ऑप्शन ए वाले सही है।
26 एलजी का अर्थ क्या है? ऑप्शन है लाइट ग्राउंड, बी लोअर ग्राउंड, सी लैंडिंग ग्राउंड या फिर नन ऑफ दीज। टाइम शुरू हो चुका है, चलिए जल्दी सभी लोग फास्ट। एलजी का अर्थ क्या होता है? टाइम अप। तो एलजी का मतलब होता है मैप रीडिंग में लैंडिंग ग्राउंड, सी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 27 कंपास का एरो किस उत्तर को दर्शाता है? ऑप्शन है वास्तविक उत्तर को, बी चुंबकीय उत्तर को, सी मानचित्र के उत्तर को या फिर इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका है, चले जल्दी सभी लोग का आंसर जल्दी से फास्ट। कंपास का एरो किस उत्तर को दिखाता है? टाइम अप। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी चुंबकीय उत्तर को। नेक्स्ट 28 जीपीएस का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए ग्लोबल पोजीशनिंग सैटेलाइट, बी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, सॉरी पॉइजनिंग है, सी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम या फिर डी ग्रेट पोजीशनिंग सिस्टम। टाइम शुरू हो चुका है, चलिए फास्ट आंसर सभी का जल्दी से। यानी जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है जल्दी? चलिए टाइम अप। तो जीपीएस का पूरा नाम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है, ऑप्शन सी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 29 ध्रुव तारा खाली स्थान को इंगित करता है? ऑप्शन है उत्तर दिशा को, बी दक्षिण दिशा को, सी पूर्व दिशा को या फिर डी पश्चिम दिशा को। टाइम शुरू हो चुका है, ध्रुव तारा खाली स्थान को इंगित करता है मतलब किसको, किस दिशा को इंडिकेट करता है ये बताना। चलिए फास्ट और 4 सेकंड है, गुड जोश, टाइम अप। तो ध्रुव तारा उत्तर दिशा को इंडिकेट करता है, ऑप्शन ए वाले सही है। 30 नंबर कंपास के ऊपर कितना से कितना डिग्री मार्क होती है? ऑप्शन 90 डिग्री से 360 डिग्री तक, बी 180 डिग्री से 360 डिग्री तक, सी 0 डिग्री से 180 डिग्री तक या फिर डी 0 डिग्री से 360 डिग्री तक। टाइम शुरू हो चुका है, कंपास के ऊपर कितने डिग्री से कितने डिग्री तक मार्क होती है? चले जल्दी फास्ट, बहुत इजी है, सबका सही होना चाहिए। टाइम अप। तो कंपास के ऊपर 0 डिग्री से 360 डिग्री तक मार्क होता है, ऑप्शन डी वाले सही है। 31 190 डिग्री का बैक बेयरिंग कितना डिग्री है? ऑप्शन है 30 डिग्री, बी 10 डिग्री, सी 90 डिग्री या फिर 60 डिग्री। टाइम शुरू हो चुका, टेस्ट पूरा देंगे, टोटल 56 क्वेश्चन है। और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, एनसीसी की बेस्ट जानकारी आपको इस चैनल पर दी जाती है। चलिए फास्ट टाइम अप। 190 डिग्री का बैक बेयरिंग यानी 190 में से क्या करेंगे, 180 से ज्यादा है तो 180 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 10 डिग्री होगा ना, तो ऑप्शन बी होगा 10 डिग्री। नेक्स्ट 32 ढलान मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन है 2 प्रकार की, बी 3 प्रकार की, सी 4 प्रकार की या फिर 5 प्रकार की। टाइम शुरू हो चुका, ढलान मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? ढलान को इंग्लिश में ग्रेडियंट्स बोलते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट्स, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार या फिर 5 प्रकार। टाइम अप। करेक्ट आंसर होगा ढलान 2 प्रकार की होती है, ऑप्शन ए वाले सही है। 33 उत्तर के आधार पर वियरिंग कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन ए 2 प्रकार की, बी 3 प्रकार की, सी 4 प्रकार की या फिर 5 प्रकार की। टाइम शुरू हो चुका, अकॉर्डिंग टू नॉर्थ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वियरिंग, तो क्वेश्चन समझेंगे उत्तर कितने प्रकार होता है, तो उत्तर का आधार पर उतना ही होगा ना, तो सबका सही होना चाहिए, इट्स वेरी इजी। टाइम अप। तो उत्तर का आधार पर बियरिंग 3 प्रकार का होता है, ऑप्शन बी वाले सही है। 34 मैग्नेटिक बियरिंग किससे मापी जाती है? ऑप्शन है सर्विस प्रोटेक्टर से, बी स्केल से, सी हाथ से या फिर कंपास से। टाइम शुरू हो चुका, मैग्नेटिक बियरिंग किससे मापी जाती है,
चलिए जल्दी, गुड जोश, और 3 सेकेंड, इट्स वेरी सिंपल, टाइम अप। तो मैग्नेटिक बेयरिंग कंपास से मेजर करते हैं, ऑप्शन डी वाले सही है। 35, उत्तर दिशा कितने डिग्री पर होती है? ऑप्शन है 90 डिग्री पर, बी 0 डिग्री पर, सी 180 डिग्री पर, या फिर 120 डिग्री पर। टाइम शुरू हो चुका है। उत्तर दिशा कितने डिग्री पर होती है? आपको मैंने डायग्राम बनाकर बताया था ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये कितना डिग्री पर होता है? चलो जल्दी, टाइम अप। उत्तर दिशा 0 और 360 दोनों होता है, ठीक है, यहीं से शुरू होता है फिर यहीं पर लास्ट होता है, तो इसमें 0 डिग्री है, तो ऑप्शन बी होगा 0 डिग्री पर। 36, मुख्य दिशाएं कितनी होती है? ऑप्शन है 3, B 4, C 5, या फिर 8। टाइम शुरू हो चुका। व्हाट आर द नंबर ऑफ मेन डायरेक्शंस? मुख्य दिशाएं कितनी है? सबका सही होना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए जल्दी, टाइम अप। तो मुख्य दिशाएं 4 होती है, ऑप्शन बी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 37, मानचित्र पर हरा रंग का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए करते हैं? ऑप्शन है वनस्पति के लिए, बी मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए, सी जलीय आकृतियों के लिए, या फिर धरातलीय आकृतियों के लिए। टाइम शुरू हो चुका, चलिए जल्दी। मनुष्य द्वारा, सॉरी, मानचित्र पर हरे रंग का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए करते हैं? फास्ट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबका सही होना चाहिए। टाइम अप। तो करेक्ट आंसर होगा वनस्पति के लिए, ऑप्शन ए वाले सही है। 38, उपयोग किए गए मीटर के नक्शे का आरएफ कितना होता है? आरएफ मतलब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ऑप्शन है 1/5000, बी 50000, सी 1/50000, या फिर डी 5000। टाइम शुरू हो चुका। उपयोग किए गए मीटर के नक्शे का आरएफ कितना होता है? फास्ट, गुड जोश, टाइम अप। करेक्ट आंसर होगा 1/50000, यानी 1/50000, सी वाले सही है। 39, मानचित्र पर काला लाल रंग का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए करते हैं? ऑप्शन है वनस्पति के लिए, बी मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए, सी जलीय आकृतियों के लिए, या फिर धरातलीय आकृतियों के लिए। टाइम शुरू हो चुका। मानचित्र पर काला लाल रंग का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए करते हैं? चलिए फास्ट, टेस्ट पूरा देंगे और लास्ट में बताएंगे कितना सही करते हैं और विनर कौन होता है। गुड जोश, टाइम अप। तो काला लाल रंग का प्रयोग मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए करते हैं, ऑप्शन बी वाले सही है। 40, नंबर नक्शे पर लंबवत और क्षैतिज चलने वाली गुलाबी लाल रेखाएं कौन सी रेखाएं हैं? ऑप्शन है ग्रिड, बी कंटूर, सी नॉर्दिंग, या फिर डी ईस्टिंग। टाइम शुरू हो चुका। नक्शे पर लंबवत और क्षैतिज चलने वाली गुलाबी लाल रेखाएं कौन सी रेखाएं हैं? क्वेश्चन ध्यान देंगे, बहुत ही सिंपल है ये, मतलब ये रेखाएं कौन सी है। टाइम अप। तो इसको हम लोग ग्रिड रेखा बोलते हैं, ऑप्शन ए वाले सही है। 41, रात में कंपास के बिना सही उत्तर किसके माध्यम से पाया जा सकता है? ऑप्शन है मंदिर के द्वारा, बी ईदगाह के द्वारा, सी ध्रुव तारा के द्वारा, या फिर पेड़ के पत्तों द्वारा। टाइम शुरू हो चुका। ड्यूरिंग नाइट टाइम विदाउट कंपास हाउ कैन वी फाइंड नॉर्थ डायरेक्शन? ऑप्शन मंदिर के द्वारा, ईदगाह के द्वारा, ध्रुव तारा के द्वारा, या फिर पेड़ के पत्तों द्वारा। टाइम अप। तो रात में बिना कंपास के ध्रुव तारा की मदद से हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन पता कर सकते हैं, सी वाले सही है। 42, यदि बियरिंग 40 डिग्री है तो बैक बियरिंग कितना होगा? ऑप्शन है 210 डिग्री, बी 220 डिग्री, सी 120 डिग्री, या फिर 110 डिग्री। टाइम शुरू हो चुका है। यदि बियरिंग 40 डिग्री है तो बैक बियरिंग कितना होगा? सभी लोग जल्दी से बताएं, फास्ट, गुड जोश,
चले टाइम आप करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 220 डिग्री। नेक्स्ट 43, नक्शे पर हाइट्स भूरे रंग की रेखाओं के माध्यम से दिखाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ग्रिड, बी स्टिंग, सी नॉर्दिंग या फिर कंटूर। टाइम शुरू हो चुका है। यानी मानचित्र पर मैप पर हम लोग हाइट्स यानी ऊंचाई को भूरे रंग की रेखाओं से दिखाते हैं, उस लाइन को क्या कहते हैं, उस रेखा को? ग्रिड, स्टिंग, नॉर्दिंग या कंटूर। चले टाइम अप, उस रेखा को कंटूर लाइन कहते हैं, तो डी वाले सही है। 44, मानचित्र पर दूरी किसके माध्यम से मापा जाता है? ऑप्शन है कंपास के द्वारा, बी सर्विस प्रोटेक्टर के द्वारा, सी स्केल के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका है। मानचित्र पर दूरी किसके माध्यम से मापा जाता है? जल्दी, कंपास के द्वारा, सर्विस प्रोटेक्टर के द्वारा, स्केल के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। टाइम अप, तो मैप पर डिस्टेंस सर्विस प्रोटेक्टर के थ्रू मेजर करते हैं, बी वाले सही है। 45, पहाड़ी का सबसे ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है? ऑप्शन ए चोटी, बी क्रेस्ट, सी टिल्ला या फिर पठार। टाइम शुरू हो चुका है। पहाड़ी का सबसे ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है? चले जल्दी, गुड जोश, टाइम अप। तो पहाड़ी का सबसे ऊपर हिस्सा चोटी कहलाता है यानी पीक। ऑप्शन ए वाले सही है। 46, स्केल कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 5 प्रकार का, बी 2 प्रकार का, सी 6 प्रकार का या फिर 3 प्रकार का। टाइम शुरू हो चुका है। स्केल कितने प्रकार का होता है? चले जल्दी, आंसर सभी का आना चाहिए, 5 प्रकार, 2, 6 या 3। टाइम अप, सिंपल है, स्केल 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन डी वाले सही है। 47, 255 डिग्री का बैक बेयरिंग कितना होता है? ऑप्शन है 75 डिग्री है ये, बी 453 डिग्री, सी 177 डिग्री या फिर 55 डिग्री। टाइम शुरू हो चुका है। 255 डिग्री का बैक बेयरिंग कितना होता है? तो 255 में से क्या करेंगे, 180 से ये ज्यादा है तो 180 माइनस कर देंगे ना, तो कितना होगा? जल्दी, टाइम अप, तो 75 डिग्री होगा ना, तो ऑप्शन ए वाले सही है। 77 एक मिस्टेक है, 75 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट 48, मानचित्र पर भूरा रंग का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए करते हैं? ऑप्शन है वनस्पति के लिए, बी मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए, सी जलीय आकृतियों के लिए या फिर डी धरातलीय आकृतियों के लिए। टाइम शुरू हो चुका है। मानचित्र पर भूरा रंग का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए करते हैं? चले जल्दी सभी लोग, इट्स वेरी इजी, बट ध्यान देना होगा नहीं तो फंसेंगे। टाइम अप, तो मैप पर भूरे रंग का प्रयोग धरातलीय आकृतियों के लिए करते हैं। ऑप्शन डी वाले सही है। 49, सर्विस प्रोटेक्टर का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए सर्विस प्रोटेक्टर मार्क अल्फा, बी सर्विस प्रोटेक्टर मार्क थर्ड अल्फा, सी सर्विस प्रोटेक्ट मार्क थर्ड अल्फा या फिर डी सर्विस प्रोटेक्शन मार्क थर्ड अल्फा। टाइम शुरू हो चुका है, जल्दी। गुड जोश, चले टाइम अप। तो सर्विस प्रोटेक्टर का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म सर्विस प्रोटेक्टर मार्क थर्ड अल्फा होता है। ऑप्शन बी वाले सही है। 50 नंबर, ग्रिड बियरिंग किसके द्वारा नापा जाता है? ऑप्शन ए कंपास के द्वारा, बी स्केल के द्वारा, सी सर्विस प्रोटेक्टर के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका है। ग्रिड बियरिंग किसके द्वारा नापा जाता है? ऑप्शन कंपास के द्वारा, स्केल के द्वारा, सर्विस प्रोटेक्टर के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। टाइम अप, तो ग्रिड बियरिंग सर्विस प्रोटेक्टर के थ्रू मेजर करते हैं। ऑप्शन सी वाले सही है। 51, मानचित्र पर नीला रंग का प्रयोग
क्या दर्शाने के लिए करते हैं? ऑप्शन है जलीय आकृतियों के लिए, बी मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए, सी वनस्पति के लिए, या फिर डी धरातलीय आकृतियों के लिए। टाइम शुरू हो चुका है। मानचित्र पर नीला रंग का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए करते हैं? जलीय आकृति, मनुष्य निर्मित, वनस्पति के लिए या फिर धरातलीय के लिए। टाइम ऑफ। तो नीला रंग यानी ब्लू कलर जलीय आकृतियों के लिए करते हैं। ऑप्शन ए वाले सही है। 52 नंबर, जीपीएस का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए ग्लोबल पोजीशन ऑफ सिस्टम, बी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टमेटिक, सी ग्लोब पोजीशनिंग सिस्टम, या फिर डी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। टाइम शुरू हो चुका। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ जीपीएस, यानी जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? और पांच चार क्वेश्चन है, टेस्ट पूरा देंगे और लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कितना सही होता है। चलो टाइम ऑफ। तो जीपीएस का पूरा नाम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है। ऑप्शन डी वाले सही है। 53, जीआर निकालते समय कौन से लाइन का नंबर पहले लिया जाता है? ऑप्शन ए कंटूर लाइन का, बी नॉर्दिंग लाइन का, सी ईस्टिंग लाइन का, या फिर ग्रिड लाइन का। टाइम शुरू हो चुका, टाइम आपका इधर चल रहा है, जल्दी गुड जोश। जीआर यानी ग्रिड रिफरेंस होता है, तो फोर फिगर जीआर, सिक्स फिगर जीआर निकालते समय किस लाइन का नंबर पहले लेते हैं? टाइम अप। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ईस्टिंग लाइन का। नेक्स्ट 54, हाथ से हम कितने डिग्री तक माप सकते हैं? ऑप्शन है 12 डिग्री तक, बी 8 डिग्री तक, सी 1 डिग्री तक, या फिर 19 डिग्री तक। टाइम शुरू हो चुका है। मतलब विथ हैंड मैक्सिमम कितना डिग्री मेजर कर सकते हैं? 12 डिग्री, 8 डिग्री, 1 डिग्री, या फिर 19 डिग्री। गुड जोश, इसका तो सब लोग सही बताते हैं। चलिए टाइम अप। तो हाथ से हम लोग मैक्सिमम 19 डिग्री तक माप सकते हैं, डी वाले सही है। 55, टारगेट और देखने वाले के बीच दबी हुई जमीन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है लो ग्राउंड, बी डेड ग्राउंड, सी ब्रोकन ग्राउंड, या फिर प्लेन ग्राउंड। टाइम शुरू हो चुका। टारगेट और देखने वाले के बीच दबी हुई जमीन को क्या कहते हैं? चलिए फास्ट, लो ग्राउंड, डेड ग्राउंड, ब्रोकन ग्राउंड, या फिर प्लेन ग्राउंड। टाइम अप। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डेड ग्राउंड कहते हैं। 56, लास्ट क्वेश्चन, रात के समय मार्चिंग करने के लिए किस चार्ट का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन है नाइट मार्च चार्ट का, बी कंट्रोल चार्ट का, सी ग्रोथ चार्ट का, या फिर डे मार्च चार्ट का। टाइम शुरू हो चुका। मतलब ड्यूरिंग नाइट टाइम व्हिच चार्ट इज यूज्ड टू मार्च, नाइट मार्च, कंट्रोल, ग्रोथ, या फिर डे मार्च। गुड जोश, चले टाइम अप। तो रात के समय मार्च करने के लिए नाइट मार्च चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए वाले सही है। तो आज का विनर कौन कौन है कमेंट करें, वही होगा जिसका 56 में 56 सही होगा। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी लोग आपका कितना सही है कमेंट करके बताएं, और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तेजस एनसीसी आर्मी ऐप जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल करा देगा, अभी शो करने लगा एक दो दिन में, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।